आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान देख रहा था, कांग्रेस के नेता का बयान में जो देख रहा था, उस बयान में उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हमें एससी एसटी का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस के नेता अब एससी एसटी के वोट उनको नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हम तो मुस्लिम वोटों से ही अपना पूरा काम तमाम कर लेंगे। आप देखते होंगे कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। कोई कहता हमें एससी एसटी का वोट नहीं चाहिए, कोई नक्सलवादियों के समर्थन में बोलता है, कोई नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहता है, कोई देश की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करता है, कोई राष्ट्रीय संप्रभुता के बारे में टिप्पणी करता है, और कांग्रेस के एक नेता तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई फैसला ही नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस को इस देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं, और यही कारण है जब देश पर कहीं विपत्ति आती है तो उस समय राहुल गांधी लोगों की सहायता के लिए नहीं दिखाई देते, फिर से उठकर के चले जाते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति आपकी विपत्ति में खड़ा नहीं हो सकता, जिसको आपकी समृद्धि अच्छी नहीं लगती है, जो व्यक्ति नौजवानों के रोजगार पर सदैव कहीं ना कहीं सेंध लगाता था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता था, उस कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहिए, कतई मौका नहीं देना चाहिए। और आपके इस रायसेन जिले में तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, तीन तीन महत्वपूर्ण मंत्री इस जनपद के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस उदयपुरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सही मायने में भारत माता का सपूत और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की परंपरा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध संगठन के शिल्पी के रूप में श्री राम किशन पटेल को यहां पर अपना प्रत्याशी पुनः बनाकर के आशीर्वाद देता है।